नमस्कार, आप सभी को प्रगति मीडिया के परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हमारे भारत, हमारे महान भारत का एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। भारत में हर घर में इस स्वतंत्रता दिवस को हर चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, इसको एक उत्सव की तरह मनाता है। हर मीडिया का हर एक अधिकारी इसको एक त्यौहार की तरह बनाता है। इस स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे 1947 को स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। इसके बारे में अक्सर लोग जानते हैं, छोटे बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते हैं कि 1947 को किस तरीके से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल किले पर महान भारत देश के प्रतीक तिरंगे को फहराएंगे। यह तिरंगा हमेशा लाल किले पर ही क्यों फहराया जाता है? 75 साल से तिरंगा हमेशा लाल किले पर ही क्यों फहराया जा रहा है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम उस बारे में ही चर्चा करते हैं। लाल किले को एक बहुत बड़ा एक महत्व दिया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो लाल किले को एक बहुत बड़ा महत्व दिया गया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। जब 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब दिल्ली पर कब्जा किया था तो लाल किले में ही मुग़ल के बादशाह के जो भी लोग थे वह सभी कैद हो गए थे, और लाल किले को एक गुलामी के प्रतीक लड़ाई का एक महत्व भी माना गया है। लाल किले से ही एक स्वतंत्रता की एक लहर उठी थी। लाल किले के मुग़ल बादशाह बहादुर शाह सफर ने इसकी स्टार्टिंग की थी, इसकी शुरुआत की थी। 1857 को बहादुर शाह सफर ने स्वतंत्रता की एक लड़ाई की मुहिम स्टार्ट की थी, लेकिन ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मुहिम को नाकाम कर दिया था। लेकिन जो इससे एक चिंगारी उठी थी, 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था। इसके लाल किले को इसलिए भी इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि 1945 को आज़ाद हिंद फौज के कुछ सेनानियों का मुकदमा भी लाल किले पर ही चलाया गया था। उसके वकील जवाहरलाल नेहरू जी हुए थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही 1945 को आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों का मुकदमा लड़ा था। लाल किले को इतना महत्व और स्वतंत्रता के प्रतीक एक जो चिंगारी का एक महत्व दिया गया है, इस वजह से लाल किले पर ही पहला हमारा भारत देश का स्वतंत्र का एक पहला जो झंडा फहराया गया था वो लाल किले पर ही फहराया गया था। उससे आज तक 75 साल तक हमेशा लाल किले पर ही हमेशा तिरंगा फहराया जाता है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराएंगे और इसको इस सब को पूरे देश के साथ में बांटेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इस उत्सव को, हमारे इस त्यौहार को, भारत का हर नागरिक इसको एक त्यौहार की तरह बनाता है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी को प्रगति मीडिया की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।